दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, आज नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी खेलने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी के खिलाफ। जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स लेस देन 24 आवर्स टू गो फॉर द मैच। तो गाइस ऐसे में आइए इस मैच के आगे बात करते हैं दोनों टीमों के कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अगर शुरुआत करें नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी से तो दोस्तों याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी हैव अ लूजिंग स्ट्रीक ऑफ 4 मैचेस एट होम, यानी घर में पिछले 4 मैचों से टीम हारते ही रहे हैं। और गाइस नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी पिछले 6 मैचों से विनलेस रहे हैं, तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको टीम अगले मैच में चेंज करना चाहेंगे। वही ईस्ट बंगाल की बात करें तो फॉर्म इस क्लब का भी खराब ही चल रहा है। पिछले 3 मैचों में टीम को बैक टू बैक डिफीट मिलते रहे हैं। और गाइस अगर आप ऐसी ईस्ट बंगाल की पिछले 10 मैचों की बात करें तो क्लब द्वारा खेले गए पिछले 10 मैचों में टीम एक भी मैच जीत नहीं पाए है। तो गाइस यहां पे टीम को बहुत एरियाज में इंप्रूवमेंट दिखाना होगा। डिफेंस की बात करें तो गाइस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी ने अपने पिछले 15 मैचों में गोल कंसीड करते आए हैं। वही स्पोर्टिंग क्लब ईस्ट बंगाल ने भी अभी तक टूर्नामेंट में खराब डिफेंडिंग दिखाते आए हैं। पिछले 12 मैचों से टीम क्लीन शीट रखने में सफल नहीं रहे हैं। तो गाइस डिफेंस दोनों ही टीमों के एक कमजोर कक्ष है। लेकिन गाइस यहां पे अगर आप दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहां पे नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। जी हां दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी और ईस्ट बंगाल ने अभी तक आपस में एक दूसरे के खिलाफ 4 मैच खेले हैं, जहां पर 3 मैचों में नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी ने ईस्ट बंगाल को हराया है। वही दोनों टीमों के बीच एक मैच आपस में एज ए ड्रॉ समाप्त हुआ। So guys, definitely North East वाले FC have a slight edge when it comes to head record between the two sides. लेकिन guys, हमें at the match day finally पता चलेंगे कि कौन से क्लब यहाँ पे बेहतर है, क्या वो East Bengal है या वो क्लब है North East वाले FC। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही guys। अगर इस वीडियो को पसंद आया तो दोस्तों don't forget to like the video and subscribe to the channel if you haven't subscribed yet. मिलते हैं अगले नए वीडियो में। Until then, stay safe, stay healthy. Alvida.